आप लोग को दिखाई देता रहेगा। ये फेंसिंग है, फेंसिंग में से जो थोड़ी सी स्पेस रहती है उसमें से मैं फोटो शूट और वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोग के लिए, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल व्यूअर्स, अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो मैं और जो नए नए हिल स्टेशन पर जाऊँगा तो शूटिंग करूँगा, ऑफर्स डालूंगा और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। एंड प्लीज हिट द लाइक बटन। सो नाउ वी आर गोइंग टू विजिट टू मधुमलाई और सुबह के अभी कुछ 8:30 बज चुके हैं, मैं सोचता हूँ और सुनने में आया कि रात को बहुत हैवी रेन हुआ है, शायद रोड पे कीचड़ मिलेगा। नाइस क्लाइमेट, क्लाइमेट में एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में मज़ा भी आता है और तो यहाँ पे ग्रीनरी बहुत सारा है तो देखने में भी आपको अच्छा लगता है, ठंडक फील होती है, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने में मज़ा आती है। खाली एक इशू होता है, ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है तो शूट नहीं कर पाते क्योंकि कैमराज फोटोग्राफी में जैसे थोड़ा प्रॉब्लम, बट हम लोग थोड़ी सी जुगाड़ करके मेहनत करके कुछ ना कुछ शूट कर लेंगे। छोटी सी यादगिरी के लिए शॉपिंग भी थी वो मैं दिखाता हूँ आपको। एक तो मेरे ऑफिस है, इसमें मोदा रखने के लिए कुछ लिया हुआ है, छोटा सा क्यूट सा है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने खरीद लिया, सो ये लिया है। देन छुट्टी में मैंने सुना है चॉकलेट फैक्ट्री है और बहुत डिफरेंट डिफरेंट नाम भी नहीं सुने थे मैंने, क्योंकि मैं ज़्यादा चॉकलेट खाता नहीं, बट यहाँ पे आया तो मैंने सुना है चॉकलेट लेनी चाहिए तो मैंने चॉकलेट मेरे लिए लिए, मैं खाने वाला हूँ। बट सब बहुत सारे पैकेट्स हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे पैकेट्स हैं, उन्होंने पैक करके दिए, वरना आपको कलर्स दिखाते बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, वाइट कलर होते हैं, ऑरेंज कलर होते हैं, चॉकलेट भी प्रॉपर जो ब्राउन कलर होते हैं वैसे क्रीम है, बहुत अच्छे है। और तो एक चीज़ टाइम पास के लिए वहाँ पे बस टेस्ट करने के लिए कुछ ली थी, आई डोंट नो इसका नाम मैं भूल गया हूँ, बट वहाँ पे खा रहे थे सब लोग तो मैंने पूछा था तो उन्होंने टेस्ट करा तो मुझे अच्छा टेस्ट लगा था तो मैंने खाया था। अभी मैं वापस खाता हूँ, ये दिखने के बाद बोलते ना वापस खा लो वापस खा लो, ऐसा होता है खा रहा हूँ। और एक चीज़ ये जैसे चटनी टाइप का कुछ चावल का बना हुआ है, और जैसे आप चाय कॉफ़ी पीते रहोगे उसके साथ खाओगे तो बहुत मस्त अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। सो अभी हम लोग निकलते हैं मधुमलाई की तरफ और देखते हैं बीच में क्या क्या साइज सीन है और कैलो में शूट कर पाता हूँ, और बारिश काफ़ी हैवी है तो फिंगर ब्लॉक मुझे शूट करने मिले अच्छा अच्छा, और डिनर तो ऊपर का बस यही। मैं और एक चीज़ मैं खरीदी थी, जस्ट मैं वॉक कर रहा था और एक कपड़ों की दुकान थी तो मेरी ये टी शर्ट अच्छी लगी तो मैंने यहाँ से परचेज करी, और ये अभी दादा ने दी थी कितनी साल चलेगी तो मुझे याद रहेगा कि मैंने ये टी शर्ट खरीदी। तो मेरे कहने का मतलब ये जो भी हिल स्टेशन पे आप जाते हो, मैं ये नहीं बोलता बहुत सारी शॉपिंग करो, बट कुछ ऐसी चीज़ खरीदो जो आपके साथ में तो आपको याद रखे हाँ आप वहाँ पे गए थे और आपने क्या इन्जॉयमेंट की थी, तो उसके लिए कोई एक ना एक चीज़ दे दी थी। नेक्स्ट ट्रिप मधुमलाई, दो मिनट के लिए स्टॉप किया रोड पे से क्योंकि अच्छा व्यू दिख रहा था तो वो शूट कर रहे। एक्चुअली फेंसिंग की वजह से कैमरा अंदर जा नहीं रहा है ना मैं जा पा रहा हूँ तो शूट अच्छी तरह नहीं कर पा रहा हूँ, बट जो आपने व्यू देखा इट वॉज ऑसम, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे तो बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। पाइन फॉरेस्ट के बाहर का सीन है जो मैंने चेंजेस करके कलर दिखाया,
मुंह में आया सही सेट कर रहा था ये यहाँ पे अभी बहुत अंधेरा है इसके लिए। सो चलो पाइन फॉरेस्ट देखते हैं। एक्चुअली बारिश हो रही है बट मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ कैमरा के साथ, अगर ज़्यादा जोर से हुई तो मैं भाग के कार में आ जाऊँगा, तो मैं देखता हूँ शूट होता है या नहीं होता है। पाइन फॉरेस्ट में मैंने बहुत भागम दौड़ी की, जो अभी टाइमलेस आपने देखा वो मैं स्पेशल वापस कैमरा लेने ही आया था, क्योंकि यहाँ पे बारिश आ रही है जा रही है तो मैं कैमरा का रेस्ट नहीं ले सकता, इसलिए मैं वापस गाड़ी में रख के आ रहा। बट वापस बारिश गई तो मैं लेने गया और वापस लेके आया, बट जैसे मैं लेके आ रहा हूँ नीचे कम लेंस पे देख रहे थे कि थोड़ा धुंधला धुंधला दिखा दे रहेगा, बारिश वापस स्टार्ट हुई है तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, मगर बहुत सांस देखो मेरी फूल रही है अभी भी बात नहीं। बट हाँ ये मैं बोलूँगा अच्छा है पाइन फॉरेस्ट, यू कैन विजिट, अच्छे फोटोशूट भी होएंगे, वीडियोस भी निकालने रहेंगे तो अच्छे भी रहेंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल लेक, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होती है, आप उसे पीछे देख पा रहे होंगे वहाँ तक जाती है हॉर्स राइडिंग, ब्यूटीफुल लेक। बट यहाँ पे बोट आप चला नहीं सकते, ये बोट हेवी नहीं रखी नहीं है, इसलिए स्पेशल आपको जाना पड़ेगा बोट हाउस के लिए। जो पाइन फॉरेस्ट का लेक था उसका ही डैम है यहाँ पे, तो कई लोग फोटोशूट के लिए उतरते तो थोड़ा रेन ज़्यादा हो गया है इसलिए मैं बार बार कार के अंदर चले जा रहा हूँ, तो कैमरा को प्रोटेक्ट मिलेगी इसके लिए। ये ऊटी का शूटिंग पॉइंट था, बारिश थोड़ी हल्की सी थी, शूट कर सकते थे बट पता नहीं आज अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड बोल रहे हैं। वॉशिंग जाना था तो भी 10 बार रिक्वेस्ट करने के बाद बोलते तो ये एक इश्यू हो गया, यहाँ पे बारिश कम थी शूट कर सकते थे बट वहाँ पे आज जो भी इश्यू है उसकी वजह से नॉट अलाउड है। आप लोग को दिखा देता रहेगा ये फेंसिंग है, फेंसिंग में से जो थोड़ी सी स्पेस रहती है उसमें से मैं फोटो शूट और वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोग के लिए, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल व्यूअर्स, अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो मैं और जो नए नए हिल स्टेशन पर जाऊँगा तो शूटिंग करूँगा, ऑफर्स डालूंगा और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा, एंड प्लीज हिट द लाइक बटन। आप जैसे मेरे पीछे देख पा रहे होगे बाइक वाले लोग, तो मुझे ये बोलना है कि ऊटी से जो मधुमलाई का रास्ता है वो फॉरेस्ट एरिया से अंदर से जाता है और रास्ते भी बहुत अच्छे हैं, तो बाइक चलाने के लिए बहुत मस्त रास्ता है। तो मैं ऊटी आने के बाद एक चीज़ यूज़ किया कि यहाँ पे रेंट पे अभी बाइक बंद हो चुकी है, ये मैंने इंक्वायरी की थी, अगर मिलता तो मैं भी लेता तो शायद वो जैसे कम कर पा रहे शायद मैं भी कर पाता, पता नहीं ये लोग ने कैसे अरेंजमेंट किए बाइक की। बट मैंने मेरे जो होटल थी उनसे बात किया था तो बोला कि पुलिस वाले लोग ने अभी मना किया होता, शायद ये लोग केरला से या कोयम्बतूर से जहाँ से आते रहे तो कुछ ही लेके आए हुए हैं। बट आई मस्ट से अगर आप आते हो, अगर अवेलेबल नहीं है कि बाइक आप लेके आ सकते हो या अरेंजमेंट हो सकती है तो ज़्यादा नहीं बोलूँ, बट ऊटी टू मधुमलाई आप बाइक से ड्राइव कीजिए, सीरियसली बहुत मज़ा आएगी, ये क्लाइमेट भी अच्छा रहता है तो जो ड्राइव करने के वक्त जो फील होती है ना बहुत मज़ा आती है। मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, मेरे पास भी बाइक है और मैं जैसे फॉरेस्ट एरिया में चलाता हूँ तो बहुत मजा आता है। ये जो भी बैकग्राउंड देख रहे हो या फुटेज देख रहे हो मैंने मोबाइल से कैप्चर किया हुआ है, ये वाटरफॉल्स के वहाँ पे क्लाइमेट एकदम जबरदस्त है,
सो मुझे लगा कि बारिश आएगी और स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए मैंने DSLR और GoPro लाने की कोशिश नहीं की। मैं बोला नुकसान हो उससे अच्छा है कि फुटेज नहीं लूँ, जो भी ले पा रहा हूँ फुटेज वो मोबाइल से ले पा रहा हूँ। सो जो भी आप ये फुटेज देखोगे वो सब मोबाइल से है फुटेज, सो आप देख पा रहे हो। बट हाँ, यहाँ पे वाटरफॉल्स पे आना वर्थ है, वेरी सीनिक। आप बैकग्राउंड देख पा रहे रहोगे। अभी वाटरफॉल्स देख पा रहे हो और उसकी आवाज मस्त आवाज है, सुनने को बहुत अच्छा लग रहा है। ये ठंडी ठंडी हवा वो भी मस्त लग रही है। अगर आप ऊटी टू मधुमलाई जा रहे हो तो ये वाटरफॉल को मिस मत करना, ये बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है, आपका ना वर्थ रहेगा। ऊटी में आते तो ऐसे रास्ते पे भी मिल जाते थे, बंदर हॉर्स मिलते ही रहते हैं हर जगह। तो नहीं उतर के मैंने छूट किया, बट ये जो डियर था उसको छूट किया। ये पयकारा लेक है जो हाउस बोट से ज़्यादा पानी क्लियर है। हाउस बोट के पानी में भी गंदगी थी, बट ये पयकारा लेक का पानी में थोड़ी क्लियरिटी है। बट यहाँ पे दो इश्यू अभी हो रहा है, बहुत ठंडी लग रही है और दूसरा बारिश आ रही है जा रही है, और कंटिन्यू बीच में भी बारिश आ रही है। मैं बोटिंग तो कर रहा हूँ क्योंकि मज़ा आ जाएगी, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि कितना बड़ा लेक है, बट मैं DSLR लेके नहीं जाऊँगा बिकॉज ऑफ रेन। അപ്പൊ എന്റെ വീടിന്റെ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തര അല്ല വേണ്ട, നിങ്ങള് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പോയിക്കോളേ, രാവിലെ വന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാം, രാവിലെ വന്ന് ആയിക്കോട്ടെ। सो हम लोग ये मधुमलाई जंगल में पहुंच तो गए, बट एक स्पॉट दिया था वहां से ये जिप्सी है वो हमें जंगल में लेके जाएगी, ये जिप्सी है जो हमें जंगल में लेके जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ये प्राइवेट व्हीकल नॉट अलाउड और वहाँ के रास्ते कुछ जीबे बोलते, तो ये जिप्सी है वो हमको लेके जाएगी। तो पूरा लगेज एक कार से दूसरे कार में वो शिफ्ट किया और अभी हम लोग होटल की तरफ चल रहे हैं। बाय बाय। चलो लेट्स गो मधुमलाई जंगल। स्टे बुक किया था मधुमलाई जंगल में, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। बट जैसे मैंने बोला ऊटी टू
मधुमलाई जंगल तक का रास्ता जो था बहुत मस्त था, और फाइनल जो 1 किलोमीटर का रास्ता था वो तो एसलवर्ड की राइड से भी zigzag अप एंड डाउन वाला मस्त था, बहुत मस्त था। आई लव इट मैन, आई लव इट। और ऐसी ट्रैवलिंग करनी चाहिए, और जंगल और साथ में बारिश भी है तो मुझे 2-in-1 का मजा मिला, और क्लाइमेट तो सच ऑसम। और यहाँ पे बारिश हो रही है, इधर इंटरनेट शायद नहीं है और नेटवर्क भी नहीं है, तो शायद आप फैमिली वाले लोग को कॉल वॉल नहीं कर सकते। सॉरी गाइस, लाइट में ऐसा ही, ये डार्क है यहाँ पे, तो जो मैंने लाइट का फोकस किया है तो ऐसा ही आ रहा है वीडियो। बट खाली इतना बताना चाहता हूँ कि ऐसे ठंडी वाले मौसम में और ऐसे डार्कनेस वाले चीज में, अभी 7 o'clock बजे हुए, तो मैंने बोलते ना टी टाइम ऐसा एक ब्रेक ले गए, ग्रीन टी बहुत गर्म लग रही है, ग्रीन टी और 4-5 बिस्किट खा रहा हूँ तो अच्छा फील हो रहा है। ये मैंने थोड़ा पी लिया, बाद में ये वीडियो बनाया, सोचा आ रहे अब बना लेता हूँ। तो डिनर टाइम तो बात का है, बट अभी बोला कि 20 मिनट उनका कुछ 21 एकर्स या 24 एकर्स पे, एग्जैक्ट नहीं पता, बाद में पूछ के बताता हूँ, बट उतना एकर्स है कुछ जंगल का, तो हम लोगों को जंगल सफारी बोलते ना वैसा हम लोग को कराने वाले हैं।